अभी तक आपने मैथ्स कर ली थी, मैथ्स में बेसिक हो गया था और इंग्लिश का एक टॉपिक हो चुका है जो इनिशियली था, और आपका आज से एक रीजनिंग का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीनों पैरेलल चलते रहेंगे, एक एक वीडियो आपको उसका मिलता रहेगा। उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जो अभी आने वाले, रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं, जैसे कि अभी आपका ए आर ओ का तो आ ही रहा है, उससे पहले अभी जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा गया है, उसके लिए भी ये हेल्प कर सकता है। तो आज की रीजनिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें किस तरह से हम बेसिक्स अपने कंप्लीट करते हैं। बेसिक्स के बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको भी करवा दिया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आपको सबसे पहले तो एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली हम पहले ये जान लें कि रीजनिंग आखिर यूज़ कहाँ होता है और एग्ज़ाम में क्यों यूज़ किया, क्यों दिया जाता है, क्योंकि 25 क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ जाते हैं, किसी में 20 आते, किसी में 10 आते, वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है। देखिए, रीजनिंग का केवल इतना सा काम है कि आप इंस्टेंटली किस तरह का डिसीजन लेंगे। अगर आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन तो दिए नहीं जाएंगे। वहाँ पर रीजनिंग का केवल इतना मकसद होता है कि अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप कितने जल्दी इंस्टेंटली कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, बस इसलिए रीजनिंग का वहाँ पर एफर्ट किया जाता है। तो फिलहाल हम बाकी की बात में बताते रहेंगे और अभी फिलहाल रीजनिंग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। बहुत छोटे में अभी आपको हमने समझा दिया है रीजनिंग का मतलब। ये कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादातर आपके जितने भी टाइप होंगे वो भी आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर कंप्लीट ना हो पाया तो नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। ये कुछ सिंबल होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, और इनके लिए कुछ नंबर यूज़ किए जाते हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसको आप पूरा कंप्लीट ही लिख सकते हैं ऐसे, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नेक्स्ट वाई जेड। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं हो पाती है तो उसको लिखने की, कहीं पर आप छोटा सा लिख सकते हैं, ये कम टाइम लेगा। जैसे जैसे आपकी स्पीड बन जाएगी वैसे वैसे ये और कम टाइम लगेगा। और इसमें आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका एक नंबर लिखते हैं, यानी कि ए एक नंबर पर आता है, बी दो नंबर पर आता है, सी तीन, डी चार, ई पाँच, एफ छः, उसी तरह से सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और छब्बीस। आप इतना तो जब लिख ही लेंगे, इसको आप ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि एक लाइन में लिखा जाता है ऐसे करके कि यहाँ से लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके पूरा लिख डालते हैं जेड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब आप एक दो तीन तो लिख ही रहे हैं यहाँ पर, वो तो ठीक है, लेकिन आप इसी के साथ साथ एक और काम करिएगा कि इसका रिवर्स भी लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। छब्बीस पच्चीस चौबीस तेईस बाईस इक्कीस बीस उन्नीस अट्ठारह सत्रह सोलह पंद्रह चौदह तेरह बारह ग्यारह दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो और एक। एक खास बात होती है इसमें कि इन दोनों का सम हमेशा 27 रहेगा, चाहे आप कोई भी ले लें, चाहे आप यहाँ से ले लें इनका ले लें, और चाहे आप इसका ले लें या फिर आप इसका ले लें, कहीं से भी लेंगे आप, सब 27 ही रहना है।
इससे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि अगर किसी एक का नंबर पता चला 27 को घटा के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि इस तरह से आप निकलें तो उससे आपका टाइम बचेगा। रीजनिंग में एक एक सेकंड बचाना होता है, क्योंकि यही रीजनिंग होती है जो हमारा टाइम कोलैप्स भी कर जाती है एग्जाम टाइम में, जो कि हमारा अगर कोई रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन दिख जाता तो हम क्या करते हैं उसमें पूरा झूठ जाते कि जब तक आंसर निकाल नहीं लेंगे तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, और एक एक उसका निकालने बैठ जाते हैं, वहां पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम आपको रीजनिंग में क्वेश्चन कराते समय ये भी ध्यान दिलाएंगे कि कहाँ पर आपको किस रीजनिंग के क्वेश्चन में कितना टाइम देना और उसमें कितनी चीजें देखनी है। ओके, तो आप ये लिख लीजिएगा। उसके अलावा इसको याद करने के भी कुछ टर्म्स होते हैं, वो भी लिख लेते हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि ए टू जेड लिखा जाता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मतलब ए का अपोजिट जेड हो गया, फिर बी का अपोजिट वाई हो गया, तो इसे आप वाई से याद कर सकते हैं। एक और खास चीज याद रखिएगा, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये स्मॉल में रहेगा और जो इसका अपोजिट होगा केवल वो कैपिटल में रहेगा। जैसे सी का एक्स हो गया, डी का आगे इसी तरह से लिखते जाएंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आने के बाद आप इसको रिवर्स करिएगा, एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप जब ये नंबर याद कर लेंगे, बिना नंबर याद किए आप इस पर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अभी जैसे यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर अब इसको याद करने के लिए देखिए एक आता है क्रक्स, सी आर यू एक्स, इट मीन्स सी का अपोजिट एक्स हो गया, बाई में ये हो गया ए टू जेड हो गया, डी हो गया डी ई डब्ल्यू, आप कुछ भी बना सकते हो अपने आप से भी, इवन हो गया ई वी E, N, ये स्मॉल में रहा, जो कैपिटल होगा केवल वही अपोजिट है, फन हो गया, इसके अलावा जी टी रोड हो गया, इसके अलावा हॉर्स हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, जंगल क्वीन हो गया, कमला पसंद या कानपुर हो गया, लो हो गया, और यहाँ पर मैन हो गया। आप ये देख पा रहे होंगे कि सारे अपोजिट इसमें मिल रहे हैं, तो आप एक खास तौर पे ध्यान रखिएगा जब कभी अपोजिट का आ जाए तो ये आपको याद हो जाए। इसके बाद इसको और छोटे क्रम में भी याद करते हैं। ये सारी तैयारी आप अगर पहले कर लेंगे तो आपका जो रीजनिंग का होगा वो काफ़ी टाइम बचेगा, और उस टाइम को बचाने के लिए ही केवल ये सब किया जाता है। एक और होता है एजॉरिटी, ये 5 का गुणज होता है, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। इसके अलावा एक और चीज़ याद करवानी होती है, वो है देखिए कौन कौन से, 1, 2, 3, ये 3 का गुणा है, सी एफ आई, उसके बाद एल ओ आर यू एक्स सिफिलोरेक्स, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, कुछ इस तरह से ये कंप्लीट होता है। ये इसका बेसिक हो गया। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में पहले उसकी टाइप देती है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में क्या करेगा, या तो आपसे कोई नंबर प्लस कराएगा या तो माइनस कराएगा, वो कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने एक लिख दिया फिलहाल, वो सामने सामने भी हो सकता है, या तो फिर इसकी टाइप ऐसे बन सकती है, ये क्रॉस टाइप कहलाती है, इसमें भी कोई नंबर प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर ऐसा हो सकता है कि आगे चल करके वो दो भागों में ब्रेक हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ये सब आपको आगे चल करके पता चलेगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा
और क्या हो सकता है? देखिए, एक तो आपकी ये टाइप बन सकती है, तीन में ऐसे या चार में ऐसे, और या तो फिर आपकी एक टाइप कुछ ऐसे बन सकती है, ऐसे, और उसके बाद यहां से पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस मार दिया गया, इसके बीच में और ना, कुल मिला के ये सी टाइप का एक बड़ा फॉर्म है। इसमें नंबरों का स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। अब इतना कुछ आ गया है समझ में, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या है इनके। होंगे कि एक क्वेश्चन इस तरह का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे TUBEJP, और ये जो चीज होती है वो इसके नीचे रखी जाती है, UWYIOV। इसका कोड ये गिवन है, तो इसको नीचे रखेंगे और इसको इसी के सामने रखेंगे। अब इसका कोड पूछा है, तो इसमें करने से सबसे पहले हम, कभी भी ऐसा आ जाएगा तो इसके सबसे पहले हमारा काम नंबर ही लिखना होगा, जैसे टी का 20, यू का 21, वी का 22, ई का 5, जे का 10 और पी का 16, MNOP 16, ये 21, ये 23, ये 25, ये 9 और ये 15 और ये 22। आप इसको अब चेक कर लीजिए, ये देखिए इसमें पहली टाइप बन रही है जिसमें बड़ा ज़्यादा नंबर, ये प्लस 1 बड़ा है, ये प्लस 2 बड़ा है, 22 और 3 25 हो गया है, 5 और 4 9 हो गया है, 10 और 5 15 हो गया है, 16 और 6 22 हो गया है। यहाँ पर भी हम यही पूरा पूरा फंडा लगाएंगे, जैसे ये बढ़ता गया है वैसे ही हम इसे बढ़ाएंगे, तो इस जगह पर हो जाएगा C का 3, F का 6, O का 15 और H का 8 और B का 2 और M का 13। यहाँ से C का 1 बड़ा है, इसको तुरंत लिख लीजिएगा 2। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो तुरंत यहाँ से ध्यान करेंगे, अगर इससे आप मिलाते हो तो आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसको लिख ही लीजिएगा वो ज़्यादा ठीक रहेगा। 3 एक 4, 4 का मतलब D, 6 2 8, 8 का मतलब H, 15 और 3 18, 18 का मतलब R, 8 4 12, 12 का मतलब L, 5 2 7, 7 का मतलब G, 13 और 6 19 का मतलब S। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट टाइप थी। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आगे, नेक्स्ट सेकेंड टाइप देखते हैं वो क्या होगा। ये देखिए, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि बी टी एल एफ ई को 5 6 3 2 2 लिखा जाता है, तो इसी भाषा में एफ जे एच आई यू को कैसे लिखाएगा। मैं आपसे फिर से बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं इसमें लगवा देता हूँ आप बिल्कुल उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये मैं टाइप आपको करा रहा हूँ, उस टाइप में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपका सीक्वेंस ऑर्डर यही रहेगा और यही टाइप को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आप बिला वजह 5-6 किताब खर्च करने से या फिर उसको ख़त्म करने से बेहतर है कि आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार कीजिएगा, तो उसमें आपकी इस टाइप पर कमांड हो जाएगी और उसके बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। आप इसी को कम से कम 6 से 7 बार क्वेश्चन कर देंगे बिना कोई डिजिट चेंज किए,
तो भी काम मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं, बी को 2 कहते हैं, टी को 20, एल को 12, एफ को 6 और ई को 5। पहला काम मेरा ये हो गया, तो मैं यहाँ पर भी वही काम कर देता हूँ, 6, 10, 8, 9 और ये 21। अब जरा यहाँ पर देखिए, ये 5 इधर लिखा है, मैंने अभी आपको कुछ टाइप भी बताई कि ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है, ये तीसरी टाइप ऐसे मिल रहा है। तो ये 5 इधर आ गया है, उसके बाद ये 6 इधर आ गया है, ये एल नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये 3 बन जाएगा। यहाँ पर 0 और 2 जोड़ दिया जाएगा तो वो 2 बन जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा है तो वो यहाँ आ गया। अब आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि 8 को मुझको यही रखना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले बीच का नंबर ढूंढिएगा, उसे रखिएगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। यहाँ पर आई है तो इधर बनाइए और फिर इधर बनाइए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा करते आइए। अगर मैंने पहले ये बताया तो इससे पहले बनाइए, इसको लास्ट में बनाइएगा, इससे आपका डेफिनेटली टाइम सेविंग होगा। 1 और 0 1 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 39, 8 और 16। अब एक नई टाइप ले लेते हैं, वो देखिए क्या होता है। ये आपकी तीसरी टाइप है, इसको देख लीजिए, ऑरेंज है, ओ आर ए एन जी ई एट द रेट स्टार डॉलर ए, और रैम रैम को राम को ये तो मैंगो का क्वेश्चन है। देखिए ये तीसरी टाइप है, आपको क्वेश्चन करने से पहले ये ध्यान देना होगा कि वहां पर क्या नंबर की जरूरत है, आप मीच करके नंबर नहीं लिखना है, आपको पहले देखना है कि वहां पर नंबर की जरूरत हो तो मैं लिखूंगा, ठीक है। अब यहां से दोनों चीजें मिल रही हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ उतने को देखो जितने की मुझे जरूरत है। यहाँ पर M की जरूरत है तो मैं कॉपी राउट उठाऊंगा, और हाँ आप जब ऐसे बनाओ तो उसके नीचे डैश जरूर बनाओ, इससे आपको रिमाइंड रहेगा कि किसका क्या था और मैंने क्या क्या ले लिया। A है तो A का डॉलर, N है N का क्वेश्चन मार्क, G ये और O, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ये आपका थर्ड टाइप हो गया। अब फोर्थ टाइप देख लेते हैं, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप उन सभी में केवल और केवल उतने ही क्वेश्चन लगा लीजिए, बस इतना बहुत है आपके लिए, उससे आपका एग्जाम पक्का निकलेगा रीडिंग के लिए आप पर, और जो मैथ्स का देखेंगे तो मैथ्स का भी निकलेगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथी टाइप है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि मक्खन को नारंगी कहा जाए, नारंगी को साबुन, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद इसे मजा लेते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। केवल और केवल इस क्वेश्चन में जब कभी भी दिख जाए कि ऐसा है तो बस मुझे और केवल मेरे टारगेट पर नजर होनी चाहिए।
अगर हम इतना कर देते हैं तो समझ लीजिए मेरा काफी सेकंड्स बन जाते हैं। इसमें सीधे सीधे पूछा जाएगा तो कपड़े किससे धुलेंगे, अब कपड़े किससे धुलेंगे तो मुझे साबुन से, और साबुन को क्या कहा जाता है, मधु। दो जगह आ रहा है साबुन, एक नारंगी को साबुन कहा जाता है, तो सीधी बात है नारंगी को साबुन कहा जा रहा है, वो हमें नहीं लेना है, साबुन को मधु कहा जा रहा है, तो हम कपड़े किससे धुलेंगे, मधु से। बस हमें इतना करना है, इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आपका कम से कम 30 सेकंड तो चला जाएगा इसमें, और उसके बाद एक से दूसरे को कुछ तो होता है जो इसमें फिर पूरा पूरा लिख डालते हैं कि नारंगी को साबुन कह रहे हैं, साबुन को मधु कह रहे हैं, मधु को स्याही, स्याही को पेंसिल, पेंसिल को किताब, कितो कपड़े किससे धुलेंगे, तो कपड़े फिर ऊपर से जाते फिर ढूंढते हैं। तो ये आपको नहीं करना, आपको केवल और केवल अपना टारगेट देखना है, क्योंकि आप वहाँ पर सवाल करने गए हैं, इसे एनालिसिस नहीं करने गए। ओके, अब हम चलते हैं अपनी पांचवी टाइप पर, पांचवा देख लेते क्वेश्चन क्या रहेगा। जितनी भी मेरी मैथ्स की है, इंग्लिश की या फिर रीजनिंग की पैरेलल वीडियो चल रही है, आपको केवल और केवल उतने ही क्वेश्चन लगाने हैं, आपका एग्जाम उतने से हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, प्लीज इधर उधर चक्कर में मत पड़िएगा, ज़्यादा बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, केवल इतना ही कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये पांचवी टाइप है आपकी, इसको देख लेते हैं। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है, आर्मी को 57 लिखा जाता है, आर्म को क्या लिखा जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हो रहे हैं, और इसमें ध्यान रखिएगा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए आर्म मुझे इसी से मिलना है। फिर से थोड़ा सा टाइम घटाइएगा अपना, एक चीज पता है मुझे कि ये आर्मी है, तो एक कंप्लीट देखना होगा कि ये 25 है, ये 13 है, ये तो खैर करनी पड़ेगी 18 भी ये है। इसमें आप पूरा का पूरा जोड़ेंगे, 5 3 8 8 8 16 1 17 ऐसे लगिए, 1 2 और 2 4 1 5 57। अब मुझे पता चल गया है कि इसमें इतना 57 है, तो आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, और अगर आप घटाने में एक्सपर्ट हैं तो 57 में से 25 घटा देंगे, तो 7 में से 5 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 2 जाएगा 3, 8 3 11 1 12 2 1 3, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वहाँ पर आप पूरी तरह से अपना दिमाग खोल के रखिएगा, ताकि आपको जो टाइम बचाने का मकसद है रीडिंग में वो कम्प्लीट हो सके। अब एक और टाइप देखेंगे नेक्स्ट। एक और नेक्स्ट टाइप है, ये इस तरह की है। मैं इसमें फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आप बार बार सारी चीज़ों को अलग अलग करने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वॉक वेरी स्लो, इसको 389 लिखा गया है, 964 का अर्थ गो डाउन स्लो बताया गया है, को वॉक स्लो ग्लो गो बताया गया। अब देखिए आपको निकालना है यहां पर गो, आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको सब नहीं सॉल्व करना है, जहां जहां मेरा गो मिल रहा है बस मुझे वो देखना है। एक मेरा गो यहां पर मिला है और एक गो यहां पर मिल रहा है, अब मुझे इनको देखना है, ठीक है। तो यहां पर वॉक है और स्लो है, इसका मतलब वॉक और स्लो मिल गया, यानी कि दो चीजें मुझे यहां से मिल गई, तो मेरा गो निकल सकता है। तो यहां पर स्लो और वॉक ये मेरा इसमें, इसका मतलब 3 8 और 9 में से तो गो नहीं हो सकता,
इतना मेरा कंफर्म हो गया, तो ये 8 कैंसिल हो गया, ओके इतना गया। अब यहां पर दूसरी चीज, यहां पर जो जो मिलता जा रहा उसे हटाते रहे, बिल्कुल। अब बचा डाउन और सो, क्या डाउन इसमें है या सो इसमें है? अगर आप देखोगे तो वो दोनों में नहीं है, या फिर आप इसे ऐसे ही कर सकते थे, डाउन और सो ये बिल्कुल अलग अलग नंबर है, वो नंबर ढूंढ लीजिए जो दोनों में कॉमन है, जैसे गो और गो कॉमन है तो इसमें से 4 और 4। दूसरा तरीका ये तब के लिए आप कर सकते हैं जब आपको कोई ज्यादा, मतलब यहाँ पर ज्यादा लाइंस मिल जाए, लेकिन अगर आपका केवल इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते थे कि मुझे गो और गो शुरुआत में ही मिल गया तो मुझे और कहीं देखना ही नहीं है, बस इसमें देखना, क्योंकि ये भी अलग था, ये भी अलग था, ये भी अलग था, ये भी अलग था, तो मुझे गो और गो देखना था, जो नंबर सेम होता मैं सीधे वहीं उठा लेता। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर बड़ा हो जाता तब हम उसे इसी टाइप से करते कि हम इसके एलिमिनेट करते और उसके बाद जो बचता उसको लेते। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक और नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम इसके जो टाइप्स हैं वो कवर हो जाए, ताकि मैं अगले टर्म पर रीजनिंग का कोई दूसरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि टाइम कम है आपके पास। ओके, ये आपकी एक और नेक्स्ट टाइप है। इसमें लिखा हुआ है ए से जेड तक के वर्ड 1 से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए। इसका मतलब ये है कि ए को 1 कहा जाएगा, बी को 2, सी को 3, इस तरह से आगे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा लिख दिया जाता है, आप उसको मत देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ पर आते हैं, एच आई जे लिखा है, एच आई जे, और उसको इन्होंने 1800 लिखा हुआ है, और उसके बाद ए बी सी है, इसको इन्होंने 2, 4, 6 लिखा है, और फिर डी ई एफ इसको पूछेगा। इस तरह के क्वेश्चन में पहले तो आप इसका नंबर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10, 9, और ये 3, 2, 1। अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इधर पर 3 का डबल लिखा है, 4 भी इसका डबल है, 2 भी इसका डबल है, इसका मतलब इसमें 2 कमेंट लिखा हुआ है। हम यहाँ पर भी वही ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं, 2 0 0 रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 हासिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं 10 दूना 20 हो जाएगा, फिर 2 9 18 होगा, 18 और 2 20 हो जाएगा, तो उसका फिर से हासिल आ जाएगा 0 हो जाएगा, 2 8 16 होगा, 16 और 2 18 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर भी वही करना होगा, इस जगह पर 6 होगा, ये 5 होगा, ये 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12 हो जाएगा, हासिल 1 रहेगी, 2 5 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 4 8 और 1 9 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 912 आ जाएगा। एक टाइप और आपकी कंप्लीट होती है, और इसके बाद हम एक और टाइप पर चलते हैं, वो भी देखते हैं। एक और टाइप आपके सामने आई है, इसमें लिखा हुआ है यदि अमन को 12 14 कहा जाए
और रन को 354। तो रमन को पूछा गया है आपसे फिर बता रहे हैं कि ऐसी गलती मत करिएगा, हर जगह नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया गया। अगर यहाँ पर भी चार दिया, यहाँ पर भी चार दिया, इसका मतलब इसी का कुछ मिलता जुलता है। आपको इधर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बार तो आप ऐसे ही करिएगा कि ए को एक अगर कहा गया है, और अगर दूसरी जगह भी ए को एक कहा गया है, इसका मतलब आपको नंबर ही यूज़ करना है। अब यहाँ पर देख लेते, देखिए एम को भी वही कहा गया है, चार और चार। तो अब मुझे ये देखना है, अब मुझे यहाँ पर बहुत कुछ नहीं देखना है, केवल अमन देखना। अमन मुझको पूरा मिल चुका है, एक दो एक चार पूरा लिखेंगे, और यहाँ पर आर वो तीन लिख देंगे। और एक और चीज़, जब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऑप्शन में आपको अगर आधा आंसर मिल जाता है तो आप उसको पूरा लगा सकते हो, वो सही हो जाता है। केवल और केवल बैंकिंग में ऐसा होता है कि आपको आंसर एक्यूरेट निकालना पड़े, लेकिन और किसी एग्जाम में अगर आपको आधा आंसर मिल जाता है तो आप उसके बिहाफ पर पूरा आंसर लगा सकते हैं। एक और टाइप कर लेते हैं आज, उसे भी देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। एक और टाइप है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है O R A N G E, मतलब ऑरेंज को A R O E G N लिखा है, और पर्सन को R E P N O S लिखा है। तो सिस्टम को पूछा गया है। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो O है वो इधर गया, A इधर गया, R इधर गया, यही सिस्टम इसमें हुआ है। इसी तरह का अभी एक एग्जाम हुआ था अभी रिसेंटली में पेट का, उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था। इसमें देख लीजिए, तो इसको भी हम यहाँ कर देंगे S Y S और M E T, इसको ऐसे कर देंगे। अगर आप बहुत अच्छी स्पीड गेन कर चुके हैं रीडिंग में तो आप इसको यहाँ पर मत लिखिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहीं से इसको खींच सकें। अगर ऐसा आज आपने टोटल 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी तरह से आपके रीजनिंग के मैक्सिमम टाइप मैंने करा दिए हैं। अगर कोई और टाइप बच जाती है तो मैं इसको आगे किसी और क्लास में इसको करवा दूंगा। इसी तरह से आपका रीजनिंग का भी एक टॉपिक होता रहेगा, इसी के साथ पैरेलल चलती रहेगी इंग्लिश, और इसी के साथ मैथ। आपको तीनों में किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक में इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। अगर आप इतने ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके टेक्निकल बेसिस पर जितने एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, और यहाँ तक कि ग्रुप सी तक के एग्जाम आराम से निकाले जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इतने क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, और जब आप एग्जाम में जाएँ तो आप चाहे तो ये वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको इंस्टेंटली देख सकते हैं। इससे आपका जो टाइप का क्विक रिविजन है वो एक साथ हो जाएगा। थैंक यू। अब आगे की नेक्स्ट क्लास मैथ्स की होगी, तो उसके लिए आपका कोई भी एक टॉपिक होगा जो आप कमेंट कर देंगे, उसे आगे कंप्लीट करवा दिए।